ABPS न्यूज। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले जनपद एटा के ब्लॉक शीतलपुर के ब्लॉक सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधानों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने प्रधानों से संगठित होने का आह्वान किया और बताया कि यदि हम संगठित नहीं हुए तो सरकारी तंत्र हम प्रधान साथियों को उत्पीड़न करेगा। इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने कहा कि हमारे सामने सबसे ज्यादा समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम लोग अपनी ताकत को नहीं जानते हैं बल्कि दूसरे राजनेता हमारी ताकत को जानते हैं जिससे वो हमारा इस्तेमाल केवल प्राइवेट एजेंसी के रूप में करते हैं। प्रधानों को मुख्यमंत्री जैसा अधिकार मिल चुका है लेकिन हम आपसे एकता में नहीं हैं। इसलिए हम सरकारी तंत्र के आगे जमकर मुकाबला नहीं कर पाते हैं। उन्होंने प्रधानों को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत कर प्रत्येक माह के अंत में होने वाली मीटिंग में उपस्थित होने का आह्वान किया। इस दौरान बैठक में जिला प्रभारी विमल कुमार के साथ प्रधान मुन्नाला, जितेंद्र यादव, सुरेंद्र सिंह, ममता देवी, राम स्नेही, राम ब्रजेश, साक्षी देवी, प्रदीप यादव, विनोद तोमर आदि उपस्थित रहे। और जिसने आपको बनाया है उसी को हटाने का अधिकार भी होता है। क्यों? लोकतंत्र में उसी को हटाने का अधिकार है जिसने बनाया है। बलवानों का बाज लगाता हुआ बलहीन सताए जाते हैं, शेरों का कठिन बलिदान हुआ बलि बकरे ही चढ़ाए जाते हैं। जिन लोगों की अर्जी कंप्लेट नहीं हुई लेकर के लिख करके आए और उसी दिन कहिए वीडियो साहब आज सारे काम हो जाने चाहिए और अगर नहीं होता तो जिसको बुलाना हो बुला लो, हम आपको इस कैंपस से जाने नहीं नहीं काफी लोग क्या इसके लिए इकट्ठा होना चाहोगे क्या? अरे बोला ना इकट्ठा होना चाहते हैं क्या? 83 लोग इकट्ठा हो जाइए, इकट्ठा होकर के इनके पास चले जाइए कि ये करे वाला आपके पैरों पे गिर जाएगा जो कि बहुत कमजोर है, नौकर है उसकी नौकरी जाने का खतरा, उसकी नौकरी जाने का।